assalamualaikum class uh, this is your chemistry lecture and uh, it's your lecture number 3 of the chemistry and previously we have started uh, the chapter that is a chemical equilibrium and uh, we did the difference between the reactant and the products the difference between reversible and irreversible reactions and we uh, describe the two examples we explain the reversible reactions with the help of the two examples the first one with the hydrogen iodide example and the second one was the calcium carbonate example today we are moving towards uh, is a continuity of the previous subject uh, previous lectures that is about the chemical equilibrium the basic definition of the chemical equilibrium before reaching to the definition we must know

और दोबारा से क्या बना देंगे रिएक्टेंट्स सो दिस वॉज द रिवर्सिबल रिएक्शन सो अगर हम डिफाइन करना चाहें केमिकल इक्विलिब्रियम को सो so कैसे हम डिफाइन करेंगे द रेट एट विच द वेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन वट इज़ दैट मीन इसका ये मतलब है वो रेट जिस पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जब वो इक्वल हो जाए टू दैट रेट कि पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिकम्बाइन हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट वो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं सो दिस इज एक्चुअली द कैमिकल इक्वलिब्रियम वो स्टेट वो पॉइंट जिसपे रेट ऑफ द फॉर्वर्ड रिएएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड और दैट स्टेट इज कॉल्ड कैमिकल इक्वलिब्रियम सो यहाँ पे क्या है वैन द रेट ऑफ द फॉर्वर्ड रिएशन इज सेम एज द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मिक्सचर रिमेन्स द सेम रिमेन्स द कॉन्स्टेंट वट इज़ दैट मीन कि जब हमारे पास कैमिकल इक्वलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया कि जिसमें रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो रही है प्रोडक्ट बना रही है प्रोडक्ट दोबारा से बन रही है मिल रही हैं और दोबारा से रिएक्टेंट बना रही हैं सो so, उस पॉइंट पर जब कैमिकल इक्वलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो हमारे पास जितनी रिएक्शन मिक्सचर में यानी इस वेजल में जितनी रिएक्टेंट्स होंगी उतनी ही हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी वट इज़ दैट मीन कि जितनी कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड और उतनी ही कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड इन तीनों की कंपोजिशन इन तीनों का वॉल्यूम और यू कैन से तीनों की अमाउंट आपस में इक्वल होगी कांस्टेंट होगी सो उस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का अब केमिस्ट्री में केमिकल इक्वलिब्रियम की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और यू कैन से दो टाइप्स हैं उसकी द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक इक्लिब्रियम एंड सेकेंड वन इज द डायनामिक इक्वलीब्रियम स्टैटिक इक्वलीब्रियम वो पॉइंट है जिसमें रिएक्शन प्रोसीड करना सीज हो जाता है सीज का मतलब है स्टॉप हो जाता है आज एट विच द रिएक्शन स्टॉप्स ठीक है वो क्या होगा हमारे पास स्टैटिक इक्लेब्रियम इस चीज को हम फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोजन इिवर्सबल रिएक्शन में देख सकते थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर रहे थे इट विल मेक वाटर सो इट मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलती जा रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया था वन मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ था दोनों आपस में मिली और हमारे पास वन मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो गया अब इससे ज़्यादा ना ही हाइड्रोजन है हमारे पास ना ही ऑक्सीजन है हमारे पास जितनी थी वो उतनी रिएक्ट करके उन्होंने क्या बना दिया प्रोडक्ट बना दिया हमारे पास सो so, अब इससे ज़्यादा रिएक्टेंट नहीं है और प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी नहीं है कि दोबारा से रिएक्टेंट बना सकती है सो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कि जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा उससे नेक्स्ट रिएक्शन चले गए नहीं टू सीज हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा सो so, इसकी एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी हुई है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को आपने फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक पढ़ा था उससे भी रिलेट कर सकते हैं ये वही इक्विलिब्रियम है फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है जब आप बिल्डिंग uh, बना रहे हो तो बिल्डिंग बनाते हुए आप उसके सारे एंगल्स को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते हो कि बेसिकली अगर आप एक रूम भी बना रहे हो तो रूम्स की आपको बेसिस बनानी पड़ती हैं सो so दैट कि हर एक वॉल का नीचे जो है वो वेट इक्वलाइज हो जाए अगर जहाँ पे वेट इक्वलाइज हो जाएगा इक्वल हो जाएगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा हमारी वॉल्स स्टैंड करेंगी वो गिरने का ख़तरा उनका ख़त्म हो जाएगा सो दे विल इरेक्ट एट देयर प्लेस सो इट मीन्स हमने बोला कि वो वॉल्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं हमारी बिल्डिंग बैलेंस्ड है सो दैट बैलेंस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम सो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था डायनामिक इक्विलिब्रियम इज जस्ट अ स्टेट हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जिसमें रिएक्शन तो स्टॉप नहीं होगा ठीक है रिएक्शन तो चल रहा है जस्ट क्या होगा रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन आपस इक्वल हो जाएंगे जैसे हमने ऊपर बोला था रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल ठीक है दोनों एक दूसरे के इक, इक्वल हो जाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये हमारे पास क्या हो गया दैट इज कॉल्ड आर डायनामिक डायनामिक्वेलेब्रियम रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा जितनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट मिलेंगे और दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे फिर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएगा प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देगा इट मीन्स ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं हो रहा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रहा है अगर ये स्टॉप हो गया दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अगर ये रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है हमारे पास जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड योर डायनामिक इक्विलिब्रियम ठीक है वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम टिल हियर दीज आर योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड यू हैव शॉर्ट क्वेश्चन दैट इज अ डिफाइंड डायनेमिक इक्वलिब्रियम डिफाइंड कैमिकल इक्वलिब्रियम एंड वट डू यू मीन बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डिफरेंशिएट बिट्वीन स्टार्टिक एंड डायनेमिक इक्वलिब्रियम So, uh, this is your work that you have to perform, uh, have to learn, and do its practice and send me. Okay, class, that's all for today.